नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में एनडीए को मिली 10 सीटें, ओपिनियन पोल में कांग्रेस की बड़ी हार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नेटवर्क की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर एनडीए को जीत मिलती दिख रही है। न्यूज 18 के महासर्वे के अनुसार उत्तराखंड में एनडीए को 10 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में INDI गठबंधन को महज एक सीट मिलती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुई रमन सरकार की योजना, सीएम ने की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य खेल अलंकरण समारोह में विभिन्न खेलों के 544 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रतिभा ईश्वर की देन है, ये समाज को ईश्वर का अनुपम उपहार है। जब प्रतिभाएं निखरती हैं तो समाज भी निखरता है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, 27% वेतन वृद्धि का लाभ जल्द। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन बढ़ाने हमारी सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने नियमितीकरण के संबंध में कहा कि अन्य राज्यों का अध्ययन करवाकर इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने संविदा कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ मिलने गया था, संघ ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ में 4 साल बाद फिर शुरू हुआ खेल अलंकरण समारोह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य खेल अलंकरण समारोह में विभिन्न खेल विधाओं के 544 प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इसके साथ ही 4 साल बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रतिभा ईश्वर की देन है, ये समाज को ईश्वर का अनुपम उपहार है। जब प्रतिभाएं निखरती हैं तो समाज भी निखरता है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा का जवाब गांव के विकास से देगी साय सरकार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन करते हुए विकास का प्रवाह सुचारू रखना कठिन चुनौती है। इन इलाकों के गांव में किसानों के लिए खेती की सुविधाएं और अन्य नागरिक सेवाएं भी मुहैया कराने की डगर आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इन कैंपों के माध्यम से बस्तर के लोगों, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ इन कैंप के माध्यम से गांव में विकास के काम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने हाल ही में नियद निल्लानार योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ में अपराध के खिलाफ होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सीएम विष्णुदेव साय ने लॉन्च किए 2 ऐप। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को ट्रैक करने तथा अपराध की विवेचना के लिए तेजी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा तैयार किए गए त्रिनयन ऐप का भी शुभारंभ किया। इस त्रिनयन ऐप के माध्यम से 100 किलोमीटर तक के दायरे के सभी CCTV कैमरे के लोकेशन ट्रेस किए जा सकेंगे, इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी को विभाग में लगातार शामिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों की इस मौके पर प्रशंसा भी की है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अफसरों को जल्द मिल सकता है बढ़ा हुआ बोनस। छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने देर रात दुर्ग सांसद विजय बघेल नेतृत्व में सीएम विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात कर 4% डीए भुगतान आदेश जल्द जारी करने की चर्चा की। बता दें कि इस किस्त के जारी होने पर राज्य के 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को कुल 46% डीए मिलेगा, लेकिन अभी भी ये केंद्र से 4% कम ही रहेगा। January 24 में घोषित डीए लंबित रहेगा। फेडरेशन की मांग जल्द ही आदेश जारी करने का भरोसा मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को दिया। रायपुर भलाई निगम में कचरे से बनेगा जैव ईंधन, भारत पेट्रोलियम के साथ सरकार का MOU। राजधानी रायपुर और भलाई नगर निगम में 100 से 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। संयंत्र से करीब 200 से 250 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदेश में इन 2 संयंत्रों की स्थापना के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम की केंद्र सरकार ने जनता को दी राहत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए कम करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। हरदीप पुरी ने लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। होली से पहले छत्तीसगढ़ में होगी धुआंधार बारिश। जिले का मौसम बदल रहा है। सुबह 9 बजे से ही तेज धूप लोगों को चुभने लगी है। फागुन मास के साथ ही मौसम में परिवर्तन हो रहा है। दिन पर दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार और मौसम में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाया है। इसके बाद तेज धूप की वजह से गर्मी भी तेज पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के 8 नगरीय निकायों को बड़ी सौगात, विकास कार्यों के लिए मिली 4.84 करोड़ रुपए की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के 8 नगरीय निकायों को 4,83,81,000 रुपए की स्वीकृत प्रदान की गई है। नगरीय निकायों के विकास कार्यों को लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने 14वें और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने राशि प्रदान कर दी है। उन्होंने गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखते हुए इन राशियों से प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। 1.10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। अब तक 1,000 युवाओं ने कराया पंजीयन। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट है। दुर्ग जिले में करीब 2,000 छोटे बड़े उद्योग हैं। इसके बाद भी स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती। दुर्ग रोजगार कार्यालय में 1.10 लाख शिक्षित बेरोजगारों ने पंजीयन करवाया है, लेकिन पिछले एक साल में सिर्फ 1,000 को दूसरे राज्यों में काम मिला है। 1,000 को मिला रोजगार। जिले में एक साल के दौरान रोजगार मेले के माध्यम से पंजीकृत युवाओं में से करीब 1,000 युवा को निजी कंपनी में रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को 3 एम्बुलेंस की दी सौगात। जिले में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं विस्तार हो रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जिले को 3 और एम्बुलेंस की बड़ी सौगात दी है। ये एम्बुलेंस जिले के दुरुस्त इलाके महादेव डांड, तपकरा एवं नारायणपुर में सेवा देगी। गौरतलब है कि जिले में अब 19 संजीवनी वाहन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहले से ग्रामीणों में जमकर खुशी है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया से अब तक 220 मरीजों का गंभीर बीमारी के मरीजों का इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। UPI पेमेंट करने पर देना होगा चार्ज, जाने केंद्र का फैसला। हाल ही में फिनटेक कंपनियों ने UPI पेमेंट पर चार्ज वसूलने का दावा किया था, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया था। अब फिर से UPI पेमेंट पर चार्ज वसूलने की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनटेक कंपनियों ने UPI में रेवेन्यू की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। कंपनियों ने NPCI के साथ प्रीपेड पेमेंट डिवाइस से होने वाले UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने पर चर्चा की है। हालांकि सरकार अब भी इससे इनकार कर रही है। चोरी या खो गया है आपका फोन तो करें ये काम। अगर आपका मोबाइल खो जाए तो आप पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाए बिना घर से ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरे नंबर से व्हाट्सएप नंबर 9440627057 पर हाई मैसेज भेजें। तुरंत गूगल पेज का एक लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और मोबाइल फोन का IMEI नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें। ऐसा करने पर साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी और निगरानी शुरू हो जाएगी। पता लगने पर आपका खोया हुआ फोन फिर से मिल जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।